पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी को ये बता दिया जाए कि इसमें इतने गुण हैं, इसमें ये चीजें छुपी हुई हैं, जो 25 रुपए लीटर पानी हमारी गाय पीती है उसका दूध क्या भाव बिकना चाहिए। क्योंकि नेट सेल में बोलूं, जितनी भी नीचे लैंड है, पंजाब है, राजस्थान है, डेरी प्लेन लैंड, उसमें जितना भी हमारा वाश होता है, केमिकल वाश होता है, वह रिचार्ज हो रहा है, मगर हमारे हिमाचल में पहाड़ों में वो जो केमिकल है वो रिचार्ज नहीं होता, वो फ्लड आउट होता है। और हमें जो पानी मिलता है वो बर्फ का पानी मिलता है, स्नो माउंटेन डिस्चार्ज, स्नो गुड वाटर, गुड सॉयल। इस करके जो हमारा प्रोडक्ट है वो आप 100 साल इसको यूज करेंगे, अगर शराब सिगरेट नहीं पियेंगे तो 100 ईयर जिए। बहुत गरीबी देखी हुई है, बहुत नजदीक से रियल लाइफ देखी हुई है। उस लाइफ के लिए जो जरूरी चीजें हैं, बोलते हैं घर तो बना लो, पर घर चलाने किस चीज से? आज एक दौड़ चली है, लोन ले लो, घर बना लो, घर तो बना लेना, पर बिजली का बिल कहाँ से? गाय इसलिए पालते हैं कि हमें गोबर चाहिए और जमीन को गोबर देना पड़ता है तो गाय पालते हैं, अदरवाइज तो आज पानी की बोतल क्या पानी में लगा हुआ है जी, वो 22 रुपए की 25 रुपए की बोतल पानी की इंडस्ट्री वाला बेच रहा है और हमारा दूध 25-26 में बिक रहा है। पानी और दूध में फर्क क्या है? मगर बात ऐसी होती है, इसको समझने के लिए अब किसको समझा तो हुई, मगर इस कंट्री का सिटीजन भी हूँ मैं। कार ड्राइव एंजॉय किया तो मेरे को बड़ा मज़ा आया रहा, कार चलाई और कार में चलने में मज़ा आया, मगर जो कार से धुआं निकला विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सोसाइटी। 8x6 फुट की जगह 48 फुट जगह में अगर आपको देवदार के पेड़ अगर 15 लाख देते हैं, ये साले हुई 23-24 साल, तो हम कैसे गरीब हैं? इससे पहले आपका कम से कम भी आपका पशुधन होना चाहिए। पशुधन जो है वो आपकी गरीबी को एक दिन के बाद ही गरीबी को खत्म कर देगा। एक दिन आज गाय ले आई, 20 लीटर वाली गाय ले आई, सवेरे दूही, मार्केट को दूध दिया और कल से ही आपका घर। नेचुरल वेस्ट इज ए फूड ऑफ एनी लिविंग बॉडी, एवरी नेचुरल वेस्ट इज ए फूड ऑफ एनी लिविंग बॉडी, एंड उसका उल्टा एवरी अननेचुरल वेस्ट इज ए पोल्यूशन एंड पॉइजन टू एनी लिविंग बॉडी। तो कार का मजा तो बड़ा आया चलाने का, मगर इसमें अननेचुरल वेस्ट जो निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, वो समाज के लिए नहीं है, समाज के लिए वो दुखदाई है। तो बीइंग ए सिटीजन मैंने सोचा कि इसका जो तोड़ है इसको न्यूट्रलाइज करना है, तो एक ही तोड़ है कि मैं वृक्ष लगाऊं। जो आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। आज एक माटी के दोस्त के साथ हूं जो पंच तत्व की भाषा को ना सिर्फ समझता है बल्कि यह बताने की कोशिश करता है कि पंच तत्व से आर्थिकी कैसे सही की जाए, यानी आपके जीवन की कमाई के वो सारे संसाधन और शुद्ध खान पान के साथ अगर यह माटी दे सकती है तो हम बाकी की तरफ क्यों भागे। कुछ अलग अलग आंकड़े, कुछ अलग अलग नीतियां और कुछ अपनी मन की बात, इन सब को अगर हम सजोएं तो हम ये कह सकते हैं कि पहाड़ की रिहाइश, वहां की भाषा, वहां की परपाटी को एक नया आयाम देने का एक व्यक्तित्व जय कृष्ण शर्मा जी के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। आइए इन्हीं से जानते हैं जहां हम खड़े हैं। सबसे पहले इस जगह की क्या वैल्यू है जहां हम खड़े हैं? नमस्कार, चैनल का धन्यवाद। जहां हम खड़े हैं, 1994 में मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया ये द्यार के पेड़ लगाने से। वो मेरे को कैसे ख्याल आया कि मैं अगर फार्मर तो हुई मगर इस कंट्री का सिटीजन भी हूँ। मैं कार ड्राइव एंजॉय किया तो मेरे को बड़ा मज़ा आया रहा, कार चलाई और कार में चलने में मज़ा आया, मगर जो कार से धुआं निकला विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सोसाइटी। मैंने एक स्लोगन बनाया हुआ है, वो है कि
एवरी नेचुरल वेस्ट इज ए फूड ऑफ एनी लिविंग बॉडी, एवरी नेचुरल वेस्ट इज ए फूड ऑफ एनी लिविंग बॉडी एंड उसका उल्टा एवरी अननेचुरल वेस्ट इज ए पोल्यूशन एंड पॉइजन टू एनी लिविंग बॉडी। तो कार का मजा तो बड़ा आया चलाने का, मगर इसमें अननेचुरल वेस्ट जो निकला कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड, वो समाज के लिए नहीं है, समाज के लिए वो दुखदाई है। तो बीइंग ए सिटीजन मैंने सोचा कि इसका जो तोड़ है इसको न्यूट्रलाइज करना है, तो एक ही तोड़ है कि मैं वृक्ष लगाऊं ताकि जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड को ये वृक्ष जो है ये ठीक कर लेगा और ऑक्सीजन दे देगा। अब ये पेड़ यहाँ लगा हुआ है, ये मेरे लिए नहीं, ये सारे गांव तक ऑक्सीजन देगा। तो एक सोच आया, उस सोच की बदौलत मैंने ये पेड़ लगा दिए। अब ये द्यार का इतने बड़े चार पेड़ हैं, ये 8 फुट ऐसे लंबा है, 6 फुट ऐसा चौड़ी जगह है, 8 और 6 फुट जगह में अगर ये द्यार का जो निकाला जाए अगर इसके स्लीपर, तो ये 15-20 लाख से कम नहीं है। अगर 8 और 8x6 फुट की जगह 48 फुट जगह में अगर आपको देवदार के पेड़ अगर 15 लाख देते हैं, ये साले हुई 23-24 साल, तो हम कैसे गरीब हैं। तो कहने का मतलब है कि आपने ये 48 स्क्वायर फीट की जो अंदाजन एक गणित है 5 वृक्षों की, हमने इसको 20 लाख के बराबर तो कैलकुलेट कर लिया, आपके दिमाग में ख्याल अच्छा आया। लेकिन लोगों का ये है कि ये ऐसी संपत्ति आपने बनाई जो स्थिर है, यानी आपके आने के बाद की पीढ़ियों के लिए एक अर्थव्यवस्था तो है, लेकिन रोज का खाना खाने के लिए आप क्या करवाते हैं? देखिए, खाना एक अलग चीज है, मगर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिलेंडर जब कोरोना काल आया तो ऑक्सीजन का सिलेंडर पता नहीं 2000 का कितने का है, और एक आदमी को ऑक्सीजन ही ये पेड़ मेरे को दे रहा है, कम से कम भी एक सिलेंडर दे तो 1200 रुपए का ऑक्सीजन मेरे को दे रहा है। खाना खाने से पहले तो जीने के लिए ऑक्सीजन, खाना तो 2 दिन नहीं भी मिलेगा तो टिक जाऊंगा, 6 दिन भी टिक जाऊंगा, दूध दाध पी लूंगा, मगर ऑक्सीजन तो चाहिए चाहिए। मेरा सवाल बिल्कुल था कि आपने ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की, शुरुआत अच्छी की, प्रकृति का जो नुकसान किया था उसकी भरपाई भी की, और आने वाली पीढ़ियों के लिए 10-20 लाख का एक अमाउंट का पैसा भी खड़ा कर दिया आपने, जब कोई इसको वृक्ष लायक हो जाएगा कि प्रयोग करे। इसके अलावा रोजाना का जो सिस्टम है, घर का खाना पीना, जैसे जो मैंने सुना कि पहली बागवानी आपने यहाँ से अनार की शुरू की, तो ऐसी चीजों का भी ख्याल आपने देखा कैसे, कि मतलब शुरू से पैतृक आया या आपने अपने हिसाब से? नहीं, अपने हिसाब से किया हमने। ऐसा होता है कि हमने बहुत बहुत गरीबी देखी हुई है, बहुत नजदीक से रियल लाइफ देखी हुई है, उस लाइफ के लिए जो जरूरी चीजें हैं, बोलते हैं घर तो बना लो, पर घर चलाने किस चीज से? आज एक दौड़ चली है, लोन ले लो घर बना लो, घर तो बना लेना पर बिजली का बिल कहाँ से देना। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, घर बनाने से पहले आपका कम से कम भी आपका पशुधन होना चाहिए। पशुधन जो है वो आपकी गरीबी को एक दिन के बाद ही गरीबी को खत्म कर देगा। एक दिन आज गाय ले आई, 20 लीटर वाली गाय ले आई, सवेरे दूही, मार्केट को दूध दिया और कल से ही आपका घर चल पड़ा। लेकिन लेकिन आज का वो यूथ जो दारू पी रहा है, उसको दूध की कीमत क्या पता है? ऐसा होता है कि जब तक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिस्क, जब तक रियलिटी का पता नहीं है तब तक आदमी दारू पिएगा। जब रियलिटी का पता लग रहा है कि बॉडी को चाहिए क्या है, वो मेरा क्वेश्चन ये है कि बॉडी के लिए आपको प्रोटीन भी चाहिए, जो भी बॉडी के लिए चाहिए, दारू तो नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज वो जो अल्कोहल है वो तो ऑलरेडी हमारे फूड में है। पर जब तक यूथ को पता नहीं लगेगा कि हमारी बॉडी को जरूरत क्या है, जब वो महसूस करेगा तो दारू पीना वो छोड़ देगा। पशुधन जरूरी है, पशुधन के लिए चरागाह भी चाहिए, हर किसी के पास हो सकता है कि चरागाह लायक जमीन ना हो, तो क्या क्या कोई नीति ऐसी है
पंचायत लेवल पर या किसी उस पे जिस पे आप पशुधन को साथ मैं ये बोलता हूँ कि हमारे यूनिवर्सिटी में पालमपुर यूनिवर्सिटी में एक बिल्कुल वो घास का भी महकमा है, रिसर्च चली हुई है, तो फाउडर लैंड जितने भी है फॉरेस्ट के जमीने हैं इसमें इम्प्रूव्ड किस्म का रेड क्लोवर व्हाइट क्लोवर या ऐसा घास लगाया जाए या घासनियों में फाउडर ट्री लगाया जाए जिनको वो गांव वाले जाए और वो काट के लाए तभी नारी का सशक्तिकरण होगा। बोलते सशक्तिकरण करना नारी का जब तक उसके पड़ोस में जो गवर्नमेंट लैंड है फॉरेस्ट लैंड है उसमें जो है आपका जो है वो होना चाहिए फाउडर ट्री। जैसे लुसीनिया है, लुसीनिया में 25% प्रोटीन होता है, तो जब उसमें प्रोटीन ज़्यादा है तो दाने देने की जरूरत नहीं होती है और अच्छी किस्म। अब तो एक टाइम ऐसा आ रहा है कि A2 मिल्क की बड़ी भारी रिवाज पड़ेगा, A2 मिल्क से जो है आदमी का वो केयर होता है, उसमें ब्लड प्रेशर हाई हार्ट अटैक नहीं होता। A2 मिल्क जो हमारी पुरानी गाय है देसी नस्ल की गाय है, और मैं तो इतना बोलता हूँ अगर A2 मिल्क यहाँ पर तैयार करके उसकी चॉकलेट बनाई जाए तो एक बड़ा भारी बिजनेस हो जाएगा चॉकलेट का, क्योंकि सारे चॉकलेट खाना चाहते हैं। A2 मिल्क की चॉकलेट अगर इंट्रोड्यूस किए जाए हिमाचल से, ऑर्गेनिक A2 मिल्क की चॉकलेट, ये बड़ी बात है। जब आप शब्द ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो पशुधन की जरूरत पड़ती है, तो आपका ये जो पशुधन वाला फार्मूला है वो आज के 200-300 रुपए किलो और ग्राम में बिक रही कंपोस्ट खाद को पूरा कर देगा। जब मैं यहाँ आ रहा था तब एक नेचर पार्क दिखा और अच्छा लगा सुन करके कि मैं आज ऐसी जगह हूँ जहाँ से नेचर पार्क हिमाचल प्रदेश को इंट्रोड्यूस किया गया, कि आपने इस नेचर पार्क को देखकर अब हिमाचल प्रदेश में अलग अलग नेचर पार्क बने। आइडिया कैसे आया है नेचर पार्क? ये ऐसा हुआ कि यहाँ मंडी में DC साहब गर्ग जी थे, डॉक्टर मुनीश गर्ग जी थे DC मंडी लगे, ये आज से 15-18-20 साल पुरानी बात है। तो DC साहब दौरे पर आए थे तो चांद से फिर मैंने रिवर किनारे में बैठने के लिए जगह की थी तो वो मेरे पास रुक गए, तो DC साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया, मैं कहा सर ये राफ्टिंग का एंड पॉइंट है और इसको हम नेचर पार्क बनाएंगे, तो ऐसा है कि मैंने एक आइडिया दिया कि समाज में दो किस्म के कैटेगरी के आदमी होते हैं, एक क्रिएटर होता है एक कंज्यूमर होता है, तो आप आते क्रिएटर की कैटेगरी में, यू आर ए क्रिएटर, क्रिएट करते हैं आप, IAS अफसर है मैं, कि आपको बड़ी भगवान ने बुद्धि दी होती है, तो सम आर द कंज्यूमर में आते हैं, राफ्ट चलाने वाला है, ड्राइवर है, चाय बनाने वाला है, ये करने वाला है, तो मगर फर्क इतना है कि क्रिएटर की जो संख्या है वो दे आर ओनली 20% और जो कंज्यूमर है वो 80% है। अगर कंज्यूमर भूखा मर जाएगा तो 20% को मार देगा वो। और DC साहब के दिमाग में ये बात बिल्कुल आ गई कि यार ये तो ठीक है, रोजगार समस्या ऐसे छोटी छोटी बातें से दूर हो सकती है। आज झीड़ी में नेचर पार्क बनने से राफ्टिंग का करोड़ों का बिजनेस लोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल 200-300 यूथ इसमें जुड़े हुए हैं, राफ्टिंग चलाने वाले हैं, ड्राइवरी करने वाले हैं, चाय पिलाने वाले हैं, दुनिया आ रही है, टूरिस्ट आ रहा है। फिर DC साहब ने एक बात बोली, यार इसका टाइटल चेंज करेंगे, ये टूरिज्म के लिए जगह ट्रांसफर की जाएगी तो कैसे करना, मैं क्या सर आपकी ट्रांसफर हो जाएगी, ये टाइटल नहीं चेंज होगा, इसकी लंबा प्रोसेस है, कोई चंडीगढ़ फाइल को दिल्ली जाएगी तो ये टाइटल रहेंगे फॉरेस्ट के पास ही, जो रेवेन्यू आएगा वो आएगा हिमाचल गवर्नमेंट को, बाकी मैं क्या पंचायत के लिए आधार कार्ड लाओ और पंचायत के लोग यहाँ घूम सकते हैं पार्क में बड़े आसानी से, ताकि कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं करे। तो ऐसा मैंने आइडिया दिया कि जो लोकल पंचायत है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पार्क में घूमा जाए और जो टूरिस्ट आए नॉमिनल चार्ज मेंटेनेंस के लिए दिया जाए। आज ये जो पार्क है सारे हिमाचल प्रदेश में फैल गए, मेरे को तो बड़ी खुशी होती है, मैं तो एक छोटा जैसा आदमी हूँ, मगर एक आइडिया था कि कोई काम करना हो तो उसके लिए रास्ता बनाया जाता है, क्योंकि कानून तो बड़े भारी हैं, अब वो कानून में पड़ गए, इसका जमीन टाइटल चेंज करो, फॉरेस्ट से जमीन टूरिज्म को दो, टूरिज्म से ऐसे दो, तो वो होने का मुश्किल है, वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर है, तो टाइम भी बर्बाद ना हो और काम भी हो जाए और हमारा हिमाचल एक प्रगति की तरफ भी जाए। ये मेरा आइडिया था जो DC साहब ने माना, और मुनीश गर्ग जी जो DC साहब रहे और चंद्रशेखर जी SP मंडी थे उस टाइम, उन्होंने बड़ा योगदान रहा,
तो फिर जो है वो इस करके अब सारे हिमाचल में नेचर पार्क बन रहे हैं। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी भारी देन है, ये जो क्रिएटर है, जो अफसर लोग हैं, इनकी बड़ी भारी देन है। इनके दिमाग में बात बैठ जाए तो ये कर देते हैं। इससे अब नौजवानों को मतलब यहाँ कम से कम बड़ा भारी बिजनेस है। 25-30 लाख तो इसका राफ्टिंग का एंड पॉइंट का जो ठेका चले गया 25 लाख, इसमें गवर्नमेंट को भी कमाई हो गई और नौजवानों का भी रोजगार हो गया। तो इसी तरह हिमाचल प्रदेश में तो आज इतना भारी काम हो सकता है। मैं एक छोटी जैसी एग्जांपल आपको दूं कि अब हिमाचल प्रदेश में तो इतना टूरिस्ट आता है, मगर मुझे एक ही अफसोस से बात करनी पड़ रही है कि आगे आगे टूरिस्ट आता है, पीछे से अमूल बेर का दूध आता है, चिकन आता है, अंडे आता है, नीचे से बड़े भारी आजकल बकरे बुकरे भेडू भाडू भी नीचे से आ रहे हैं। तो मेरे को एक अफसोस की बात ये है कि यहाँ इतने बोलते हैं बेरोजगारी है, अगर 100 मुर्गा भी पाल दे तो उनका रोजगार चल पड़ेगा, 2 गायें पाल देंगे तो रोजगार चल पड़ेगा। मगर इसमें छोटा जैसा एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जो दूध पालक है, मैं दूध बेचता हूँ, हमारी एक गुजारिश थी कि आप यूनिवर्सिटी पालमपुर में जहाँ डेयरी अनुसंधान केंद्र चला हुआ है उसमें सिर्फ इतना पता कर लो कि प्रोडक्शन कॉस्ट दूध जो तैयार होता है 1 लीटर उसके लिए कितनी कॉस्ट लगती है। अगर उसके लिए कॉस्ट लगती है, दूध की कॉस्ट आती है 30 रुपये लीटर, तो 10-20% हमको फायदा दे दो, 40,000 रुपये ले लो, मगर ये सुनाई नहीं होती। तो हमारा जो काम है, हम तो मजबूरी गाय इसलिए पालते हैं कि हमें गोबर चाहिए और जमीन को गोबर देना पड़ता तो गाय पालते हैं, अदरवाइज तो आज पानी की बोतल क्या पानी में लगा हुआ है जी, वो 22 रुपये की 25 रुपये की बोतल पानी की इंडस्ट्री वाला बेच रहा है और हमारा दूध 25-26 में बिक रहा है। पानी और दूध में फर्क क्या है? मगर बात ऐसी होती है, इसको समझने के लिए अब किसको समझाए, क्योंकि एक बड़ी बात आती है। उत्तराखंड में मैं जोशीमठ के आसपास था तो वहाँ के लोगों का एक स्लोगन था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, कभी पहाड़ के काम नहीं आते। तो क्या आपको लगा आप अपनी जवानी में कुछ ऐसा नुकसान दिखा कि आप हिमाचल प्रदेश के काम ना आ रहे हो? अब आपने पहाड़ के पानी की बात करी, पहाड़ी के जवानी की बात की, मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ इसके बारे में, उत्तराखंड जो टिमर्स का और है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारी गाय पहाड़ का पानी पीती है, वो पानी तो पैक होके लोग 25 रुपये लीटर खरीदते हैं, और हमारी गाय जो मिनरल वाटर है, वो गाय हमारा वो 25 रुपये लीटर वाला पानी पीती है। तो ये अंदाजा लगाओ उसका दूध क्या भाव बिकना चाहिए। जो हमारा सेब का पेड़ 25 रुपये लीटर वाला पानी पीता है, मिनरल वाटर पीता है, क्योंकि सोर्स ऑफ वाटर हमारा है स्लो, वाटर सोर्स इज ए स्लो एंड सॉयल बिलोंग्स फ्रॉम वेस्टर्न हिमालय की धरती। सॉयल इज द रियल थर्मामीटर ऑफ एनी प्रोडक्ट, वी हैव द हिमालयन सॉयल, स्लो वाटर, इतना अच्छा प्रोडक्ट है। मगर जब तक इसकी ताकत बताई नहीं जाए तो इसका खरीदारी नहीं करेगा ज्यादा आदमी, क्योंकि जब हनुमान को बोला कि तेने सजीवनी बूटी लानी है, तो हनुमान भी चुपचाप बैठ गया कि मैं लाऊंगा, कैसे लाऊंगा। फिर उसको बोला, अरे हनुमान तेरे में ताकत है, तू ला सकता है, तू पहाड़ ला सकता है। फिर हनुमान को आ गया ताकत और सजीवनी बूटी लाया। इसी तरह अगर हमारा पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी को ये बता दिया जाए कि इसमें इतने गुण हैं, इसमें ये चीजें छुपी हुई हैं, जो 25 रुपये लीटर पानी हमारी गाय पीती है उसका दूध क्या भाव बिकना चाहिए। क्योंकि नेट सेल में बोलूं, जितनी भी नीचे लैंड है, पंजाब है, राजस्थान है, डेरी प्लेन लैंड, उसमें जितना भी हमारा वाश होता है, केमिकल वाश होता है, वह रिचार्ज हो रहा है, मगर हमारे हिमाचल में पहाड़ों में वो जो केमिकल है वो रिचार्ज नहीं होता, वो फ्लड आउट होता है, और हमें जो पानी मिलता है वो बर्फ का पानी मिलता है, स्लो माउंटेन डिस्चार्ज, स्लो गुड वाटर, गुड सॉयल। इस करके जो हमारा प्रोडक्ट है वो आप 100 साल
इसको यूज करेंगे, अगर शराब सिगरेट नहीं पियेंगे तो 100 ईयर जिएंगे।